सरलता से और बड़े गर्व के साथ कहा कि भाई हमें आरक्षण बाबा साहब ने दिया था, वही आरक्षण के कारण वो लोग सरपंच से लेकर जनपद, जनपद से लेकर जिला पंचायत और जिला पंचायत से लेकर महापौर तक बने हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जनप्रतिनिधि जिन्होंने बाबा साहब के संविधान से उनको ये आरक्षण से उनको ये पद हासिल हुआ है? कितने यहाँ पे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं बताओ? अरे कोई आया है? नहीं। अरे यहाँ पे सिर्फ बलूग आए जिनके ऊपर शोषण अन्याय बलात्कार होता है, जिनको समाज के प्रति आस्था रहती है कि हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, पर उन लोगों को कोई संविधान की कोई दिवस की कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि आज भारतीय संविधान दिवस है, है उनको पता? अरे हम ज्यादा बड़ी दूर की बात नहीं करते, हम छिंदवाड़ा जिले के महापौर, हमारे छिंदवाड़ा के महापौर महोदय आए हुए थे और उनको भी पता है कि ये भीम सेना सामाजिक संगठन के आह्वान पर एसटी एससी ओबीसी जनरल माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा यहाँ पे विशाल संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो उनको यहाँ पे आना। आपका जनपद, आपका जिला पंचायत, आपका विधायक, आपका सांसद, आपकी वोटों से मतलब है आपको? आपके इससे नहीं मतलब, आप अन्याय, आपके ऊपर अन्याय होता रहे, शोषण होते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। मैं आपको बता दूं कि हम संविधान की बात करते हैं, संविधान को मानते हैं, पर आप बताओ कि हम बाबा साहब ने हमें संविधान दिया तो कितने वकील एसटी एससी और ओबीसी के है कोई? अरे हमारे साथ अन्याय अत्याचार भी होता है तो हमारे जूते चप्पल घिस जाते, हमको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कलम, कलम की वो ताकत है जो आपको न्याय दिला सकते, पर हमारे लोग यहाँ पे कमजोर हो चुके हैं, आपको अपनी कलम की ताकत को मजबूत करने